सबसे पहली चीज़, ड्यूल नेचर के अंदर हमने अब तक ये देखा कि आइंस्टाइन की इक्वेशन थी जो ये बताती है कि फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन कब होगा, जब आपकी फ्रिक्वेंसी फोटोन की थ्रेशोल्ड से बड़ी होगी तो फोटो इलेक्ट्रिक अफेक्ट होगा, ये आइंस्टाइन ने हमें बताया। उसके बाद फिनोमिना ये पता लगा कि कुछ फिनोमिनाज ऐसे हैं जैसे कि इंटरफेरेंस या डिफ्रैक्शन या फिर पोलराइजेशन जो वेव ऑप्टिक्स में हमने किए थे, ये एक्सप्लेन किए जा सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी ऑफ लाइट, यानी कि वेव ऑप्टिक्स लाइट को वेव मानते हुए इनको एक्सप्लेन किया जा सकता है। लेकिन कुछ फिनोमिनाज ऐसे थे जैसे कि फोटो इलेक्ट्रिक अफेक्ट या कॉम्पटन अफेक्ट, इस सिलेबस में रहा नहीं अब हमारे, पर हमें फोटो इलेक्ट्रिक अफेक्ट समझ में आता है। फोटो इलेक्ट्रिक अफेक्ट, इसके अंदर ये एक्सप्लेन किए जा सकते हैं ओनली ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। और जो एज्यूम करता है क्वांटम थ्योरी कि लाइट की कौन सी नेचर है, वेव नेचर नहीं है, लाइट की कौन सी नेचर है, पार्टिकल नेचर है, तो लाइट की पार्टिकल नेचर मानते हुए ये किया जा सकता है। तो इसलिए ये बात एंड में आई कि लाइट की क्या नेचर है, ड्यूअल नेचर है। तो कुछ फिनोमिनास की एक्सप्लेनेशन वेव नेचर से आएगी और कुछ फिनोमिना की एक्सप्लेनेशन पार्टिकल नेचर से आएगी। यहां तक क्लियर है? नेक्स्ट है तो ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, डी ब्रोगली की वेव्स। अब एक और साइंटिस्ट था जो सारी चीज़ों को देख रहा था बैठ के, उन्होंने वो जे.जे. थॉमसन से लेके सारी कहानी सुन ली, उनका काम भी पढ़ लिया, आइंस्टाइन का काम भी पढ़ लिया, उनको ये भी पता लगा अच्छा आइंस्टाइन नोबेल प्राइज जीता, बहुत अच्छी बात है यार, मैं भी पढ़ूंगा। तो इन्होंने क्या किया, डी ब्रोगली ने क्या किया, आइंस्टाइन की पूरी थ्योरी पढ़ ली। आइंस्टाइन ने ये रिजल्ट किस पे दिया था, लाइट पे, लाइट की रेडिएशन की, लाइट को, लाइट के अंदर फोटोन्स हैं, और उसने ये बताया था कि मूविंग फोटोन्स कभी कभी वेव की तरह काम करते हैं और कभी कभी पार्टिकल की तरह काम भी करते हैं। डी ब्रोगली ने एक काम किया, उसने कहा देयर इज अ ग्रेट सिमेट्री इन नेचर। वो कहता अगर ये काम फोटोन के ऊपर हो सकता है तो ये काम इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी हो सकता है और ये काम प्रोटोन के ऊपर भी हो सकता है और ये एक अनचार्ज न्यूट्रॉन के ऊपर भी हो सकता है, कोई भी मैटर के ऊपर हो सकता है। तो अगर कोई भी मैटर का पार्टिकल मूव करता है तो वो वेव और पार्टिकल नेचर दोनों शो कर सकता है, और उसकी बात बिल्कुल सही थी। तो डी ब्रोगली ने इन सब के रिजल्ट से एक नया रिजल्ट बना दिया। तो उसने कहा कि डी ब्रोगली पुट फॉरवर्ड द बोल्ड हाइपोथेसिस दैट मटीरियल पार्टिकल इन मोशन शुड डिस्प्ले वेव लाइक प्रॉपर्टीज। वो कह रहे हैं कि वेव लाइक प्रॉपर्टीज शो करते हैं मटीरियल टाइप पार्टिकल्स। हिज रीजनिंग वॉज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस। उसने ये कैसे आंसर दिया, इसने कैसे एक्सप्लेन किया, टू फिजिकल क्वांटिटीज दैट गवर्न द यूनिवर्स इज मास एंड एनर्जी। वो कह रहे हैं जो दो दुनिया में दो ही चीज़ें हैं जो पूरे गवर्न कर रहे हैं पूरे यूनिवर्स को, मास एंड एनर्जी। मास गया एनर्जी बन गई, एनर्जी आई मास बन गया। तो मास एंड एनर्जी, फ्रॉम आइंस्टाइन इक्वेशन देयर मस्ट बी सिमिट्री बिटवीन द मैटर एंड रेडिएशंस। क्या आइंस्टाइन ने काम तो किया ही हुआ था, तो उसने बोला आइंस्टाइन ने रेडिएशन पे काम किया था, लाइट पे काम किया था, तो ये काम तो मैटर के पार्टिकल्स पे भी हो सकता है। तो उसने आइडिया लगाया नंबर वन। नंबर टू, नेचर लव सिमिट्री सिंस रेडिएशन हैज ड्यूअल नेचर। उसने कहा जी जैसे रेडिएशन के ड्यूअल नेचर है वैसे पार्टिकल के भी क्या होते हैं, ड्यूअल नेचर होते हैं। तो इससे ये पता लगा, और उसने कहा कि अगर कोई फोटोन को छोड़ दें, अगर कोई इलेक्ट्रॉन प्रोटोन या कोई भी मैटर का पार्टिकल मूव करता है और उसकी कोई वेव नेचर शो करता है और वेव नेचर का कोई लैम्डा होगा, उसकी वेवलेंथ होगी, उस वेवलेंथ का नाम क्या होगा, डी ब्रोगली की वेवलेंथ। मतलब उसने नाम जोड़ दिया। आज के बाद कहता है जी रेडिएशंस को छोड़ के लाइट का काम छोड़ देता हूँ, वो तो आइंस्टाइन ने किया था, मैं उसकी बात नहीं करूँगा, और इसके अलावा दुनिया का कोई भी पार्टिकल अगर वेव की तरह काम करेगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, उसमें मेरा नाम जोड़ा जाएगा और उसकी जो वेवलेंथ आएगी उसका नाम है डी ब्रोगली की वेवलेंथ। तो इसने भी अपना नाम जोड़ दिया। आपके CBSE में पुराने पेपर में दो नंबर का क्वेश्चन आ रखा है, एक्सप्लेन करो। मैं खुद आज पढ़ के आया हूँ, तो मैं एटम का टेस्ट डाल रहा था, ये भी मुझे मिला रास्ते में कि डी ब्रोगली के अंदर, डी ब्रोगली में इसको कैसे जो है एक्सप्लेन किया ऑब्जर्वेशंस को, ये पॉइंट्स को डिस्कस करना था। ठीक है यहाँ तक?